हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये 3 प्रोडक्ट देख रहे हैं, जैसे कि आप थंबनेल देख चुके होंगे। तो आज हम इसका रिव्यू शेयर करेंगे, इनके अनबॉक्स करेंगे इनको, और प्रॉपर बताएंगे आपको ये कैसे यूज़ करना है आपको। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको पूरी वीडियो समझना है तो पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि इन प्रोडक्ट को हमें कैसे यूज़ करना होता है। तो ये मेरे हाथ में है वेगा का स्पंज एंड पाउडर पफ, जिसे नॉर्मली लोग खरीद लेते हैं, मगर उन्हें उनका यूज़ करना बिल्कुल पता नहीं होता है। नॉर्मल ये पाउडर के लिए होता है, कॉम्पैक्ट के लिए होता है, और आपका मेकअप सेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये वेगा का है एंड 150 का है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में इसकी प्राइस। और अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं ये कितना ब्यूटीफुल निकलता है। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी है, तो मैंने इसको परचेस किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कलर एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसको आपको फिंगर में ऐसे करके स्टिक करके रखना होता है एंड आपको अपना मेकअप सेट करना है। सेकेंड है ये प्रोफेशनल मेकअप स्पंज, जिसे शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस स्पंज को कैसे यूज़ करना होता है। नॉर्मली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। नॉर्मली स्किन वाले फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल स्पंज यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर जो हम लाते हैं मार्केट से, उससे अच्छे से नहीं ब्लेंड होता है। तो स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस पर लिखा हुआ है अच्छे से कि बहुत ज़्यादा, मैं आपको सारा इसका डिटेल बताऊंगी आगे आगे। आप देखते जाइए कि इसको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं, इसको अनबॉक्स कर कर भी दिखाऊंगी। तो चलिए जी, इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है एंड लोगों को यूज़ करने का नहीं पता होता है, तो पूरा ही बता रही हूँ मैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्रोडक्ट लगा के, पर इस वीडियो में सिर्फ रिव्यू शेयर कर रही हूँ प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट कैसे हैं कैसे नहीं है। तो देखिए, ये भी बिल्कुल ही क्रीमी निकला है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें कट कट से साइज लगे हैं, नॉर्मल इससे ऐसे स्पंज करते हैं, ऐसे ब्लेंड करेंगे जैसे कि। तो देखिए ऐसे है। इससे सीसी क्रीम, बेबी क्रीम नॉर्मल आप लगाते हैं, इसे ब्लेंड कर सकते हैं। नॉर्मल हाथ से हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयली स्किन वालों के लिए फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए मैजिक है। आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना भूल जाएंगे ऑयली स्किन वाले लोग जो हैं। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा स्पंज है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।